आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिए चलते हैं। सीएम अशोक गहलोत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, सुनवाते हैं आपको। जन घोषणा पत्र था लगभग पूरा होने जा रहा है, बजट घोषणा भी अच्छे ढंग से परफॉर्म हो रही है, वो चार्ट सब आपके पास में पहुंच गए हैं। अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक और नोट देंगे जिसमें और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ बातें ऐसी है जो मैंने पहले भी कहा कि जो सारे खाली राजस्थान के अंदर है, देश में और राज्यों में नहीं है। इवन ओपीएस जो है हमारी आलोचना भी हो रही है, परंतु दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फैसला किया 10 दिन पहले ही आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को लेके कि आप भेदभाव नहीं कर सकते और ओपीएस देना पड़ेगा आपको पैरामिलिट्री वालों को भी। उसी ढंग से पहले ह्यूमन राइट कमीशन कह चुका है, CNAG कह चुका है कि अभी तक तो 15 साल से अधिक हो गया है, ना तो कोई कायदे नियम बने, ना कोई पता नहीं भविष्य में क्या होगा, वो भी आलोचना ही है। और जुडिशियल कमीशन भी कह चुका है हम लागू नहीं करेंगे, और लागू है ही नहीं। हाईकोर्ट जजेस ओपीएस ले रहे हैं, आर्मी ओपीएस ले रही है, तो ये जो भेदभाव है ये चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। हमारा मानना है कि अगर 60-70 साल तक हम लोग ओपीएस को लेके प्रगति करते गए करते गए करते गए यहाँ तक पहुँचे हैं जिनका दावा सब लोग कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त भी ओपीएस ही लागू थी। तो आप एकदम इनसिक्योर कर दो हमारे ब्यूरोक्रेसी को या कर्मचारियों को, तो कैसे वो काम करेंगे कॉन्फिडेंस से कि रिटायरमेंट के बाद में हमारा क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद में हमारा क्या होगा। अगर ये चिंता रहेगी तो मेरा मानना करप्शन भी ज़्यादा होगा, और तो है ही दूसरी समस्याएँ, मन लगा काम भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैसला ओपीएस का हुआ राजस्थान सरकार ने लिया, और अब 4-5 राज्य हिमाचल भी पंजाब भी छत्तीसगढ़ झारखंड भी कर चुके हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, एक तो इसके बारे में ओपीएस बारे में, दूसरा सोशल सिक्योरिटी, ये अब देश में मुद्दा बनना चाहिए। और राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने वक्त में जो यूपी गवर्नमेंट वक्त में अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी, पार्लियामेंट में कानून बना करके राइट टू इंफॉर्मेशन, महात्मा गांधी नरेगा, RTE राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये तमाम जो अधिकार दिए थे उसी प्रकार से वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट में कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। जैसे विदेशों के अंदर हर परिवार को जो नीडी हैं उनको वीकली पैसा मिलता है, जीवन व्यापन करने के लिए सिक्योरिटी वहाँ पर है, उसी ढंग से जीवन व्यापन कर सके हर परिवार, BPL non-BPL अंत्योदय NFSA वाले सबको मिला लीजिए आप, तो उसके अलावा भी हो सकता है EWS वाले भी हों, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जिंदगी जब तक वो उनका जीवन है तब तक सोशल सिक्योरिटी में उसको सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। और ये तभी संभव है तब अभी जो पेंशन हम दे रहे हैं 1 करोड़ लोगों दे रहे हैं राजस्थान में, और कई ज़्यादा कहीं कम, अब UP है वहाँ हमसे डबल ट्रिपल आबादी होगी, हम दे रहे 90 लाख 1 करोड़ के बीच में है, वो दे रहे होंगे 40-50 लाख लोगों को। तो ये आप समझ सकते हो कि राज्य पे डिपेंड कर रहा है क्या क्या शर्तें लगाते हो नहीं लगाते हो, इससे सबका भला नहीं होगा। वो तभी होगा तब सोशल सिक्योरिटी का कानून बने पार्लियामेंट के अंदर, और इसके लिए हम लगातार हमारी पार्टी कांग्रेस भी जो राहुल गांधी जी जो निकल पड़े यात्रा में
उनका मुद्दा भी यही है कि देश में शांति सद्भाव भाईचारा रहे, तो वो तभी रहेगा तब आप सोशल सिक्योरिटी दोगे लोगों को। और इसीलिए वो महंगाई, बेरोजगारी, गरीब अमीर के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है वो तभी कम होगी। कम से कम आप जीवन व्यापन तो करवाओ हर व्यक्ति का। एक मजदूर भी जो होता है जब सही साथ नहीं देता है तो बुढ़ापे के अंदर वो क्या करे, वो घबरा जाता है कि जिंदगी कैसे निकलेगी। कई बार घर वाले उसका ध्यान रखने की स्थिति में नहीं होते हैं, रख नहीं पाते हैं। आप जानते ही हो कि अलग अलग परिवेश होता है परिवारों का। तो ये बात दिमाग में रही और इसीलिए आज हमने कैबिनेट में हाथ खड़े करवा के भी प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से, कि एक प्रस्ताव हम बना के भेज रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट मंत्रिमंडल मांग करती भारत सरकार से कि आप इस प्रकार से इसको लागू करें, एक्ट बना के पार्लियामेंट के अंदर। हमारा मकसद ये है। दूसरा, हमने जनरल डिस्कशन जो मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी तो हर विभाग की समीक्षा हो रही है, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं आपस के अंदर। जिनको आशंका है वो अपने आशंका दूर भी कर रहे हैं। तो अच्छे ढंग से डिस्कशन बहुत ही अच्छे माहौल में, अच्छे ढंग से, बहुत ही मैं समझता हूँ कि प्रभावशाली तरीके से डिस्कशन चल रहे हैं। विपक्ष के बाद में आलोचना करना कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान के अंदर, इसलिए वो क्या कर रहा है। अब जैसे आप सब मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, आप मेरी भावना को समझ जाएंगे और प्रदेशवासी समझ जाएंगे। अब ACP अगर छापा नहीं डाले गए किसी राज्य में, इसका मतलब वहाँ करप्शन है ही नहीं विपक्ष के हिसाब से। और हमारे यहाँ ACP जीरो टॉलरेंस रख रही है करप्शन को लेके, जीरो टॉलरेंस। उसको ये कहते हैं साहब बहुत करप्शन है। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि जहाँ ACP छोड़ नहीं रही है, सरकार कहती है संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह प्रशासन देंगे, और जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं और उसके अंतर्गत छापे पड़ रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं हिंदुस्तान भर में सबसे ज़्यादा छापे राजस्थान में पड़ रहे हैं, इतना शानदार काम हो रहा है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, और ये लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो पब्लिक सब समझ रही है कि ये किस प्रकार से बोल रहे हैं। उसी प्रकार से जो मैंने सरकार बनते नवाचार किया और मैंने कहा कि राजस्थान में कंपल्सरी करेंगे, हम लोग कंपल्सरी करेंगे FIR को। दुर्भाग्य से मीडिया में हमारे साथी भी कई बार गहरे में जाते नहीं हैं, और आजकल तो पूरा मीडिया का हालात जो है पूरे देश के अंदर आप कुछ समझ रहे हैं, गोदी मीडिया जो कहलाने लग गया है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर हमने इतना बोल्ड स्टेप उठाया, थानों की स्थिति आप भी समझते, हम भी समझते थे। थानों के अंदर मीडिया पर्सन तो फिर भी चले जाते हैं, भाई चलो ये तो अखबार वाले लोग हैं, समाज आता तो मान सम्मान मिल जाता है। आम जनता को, डॉक्टर हो इंजीनियर हो, उनकी जो बेइज्जती होती है थानों के अंदर, तू ताम बात करते हैं, उससे क्या बीतती है आप सोच सकते हो। और किसी के घर में रेप भी हो गया, गरीब परिवार है बेचारा, वो जानता हुआ तू ता करेंगे, मुझे भगा देंगे, और जिसने रेप किए हैं उनके पैरे खा लेंगे, वो जाते नहीं बेचारा। और जिंदगी भर वो मन में टीस रखता है कि मेरी बेटी के साथ में जुल्म हुआ और समाज कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने जो बोल्ड स्टेप उठाया, हर FIR कंपल्सरी रजिस्टर करना जरूरी है। अगर मीडिया में जो भावना होती तो ये नेशनल इश्यू बनता कि राजस्थान सरकार ने कंपल्सरी की FIR थाना के अंदर, नहीं होगी तो SP ऑफिस में कंपल्सरी करिए और थानेदार के खिलाफ एक्शन होगा, इन्होंने कहा है। आप देखिए कहीं चर्चा हुई है कहीं, और उसके कारण से कितना बड़ा फायदा हुआ मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। आप देखिए,
एफआईआर अनिवार्य करने के बावजूद भी जो क्राइम कंट्रोल हमने किया है और लोगों में भय पैदा हो गया है, अब एफआईआर लॉन्च होगी कंपलसरी, इसके कारण भय पैदा हुआ। उस भय के कारण देखिए आप 19 के तुलना में 21 के अंदर 5% अपराध कम हुए हैं, एमपी में, हरियाणा में, गुजरात, उत्तराखंड में, 17 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए। गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा के अंदर 24% और एमपी में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हमने कंपलसरी की तब भी 5% कमी आई और इनके बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, एनसीआरबी जो भारत सरकार की बुकलेट निकलती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, फिर आप आगे देखिए हत्याओं में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार अपराध में और अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। नंबर 3 कस्टोडियल डेथ में गुजरात सबसे ऊपर है। नंबर 4 नाबालिगों के साथ बलात्कार यानी पोस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। एससी/एसटी क्राइम में यूपी नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है। अनिवार्य पंजीकरण नीति के परिणाम है कि 17-18 के अंदर 33% एफआईआर कोर्ट के माध्यम से सीआरपीसी के अंतर्गत, आप जानते हो 156(3) के अंतर्गत इस कारण दर्ज होते थे, अब वो संख्या जो है हमारी नीति के कारण से, अनिवार्य पंजीकरण के कारण से कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब खाली 33% के बजाय 13% रह गई है। कोर्ट से आदि राणा पुलिस के पास में वो 13% रह गई है। इसी प्रकार से आप देखिएगा 17-18 बलात्कार के मामलों में अनुसंधान जो है 274 डेज, 274 दिन लगते थे, आज 68 डेज लगते हैं, 68 डेज लगते हैं, सिर्फ 68 दिन, कहाँ 274 और कहाँ 68। पोस्को के मामले में भी अनुसंधान का समय जो है औसत 232 दिन था, वो 66 दिन रह गया, अब 66 दिन रह गया। SC/ST के अंदर भी 51 मामले अदालत के माध्यम से CRPC 156(3) से दर्ज होते थे 15 के अंदर, अब सिर्फ 10% रह गए। ये FIR के अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है। ये क्योंकि हमने कंपनी कर दी, उसका कुछ लोगों ने फायदा उठाया और UTFI में दर्ज करने लगे, वो अलग बात है। उसके बावजूद भी हमारी नीति कायम रहेगी। सरकार की जो झूठी FIR जो मैंने कहा हो रही है, परंतु अनिवार्य पंजीकरण की नीति से पीड़ितों और फरियादियों को एक संबल मिला है, वो बिना किसी भय के थाने में अपनी शिकायत देकर न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत जो है आप देखिएगा 48% है राजस्थान के अंदर, और राष्ट्रीय स्तर पे मात्र 28.6% है। मतलब आप देखिए राष्ट्रीय औसत से राजस्थान में 48% तक हम बलात्कार प्रकरणों के अंदर पनिशमेंट का जो प्रतिशत है सजा हुई है वो 48% लोगों हुई है, राष्ट्रीय अभी 28.6% है। और महिला अत्याचार के प्रकरणों में भी राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 26.2% ही है। महिला अत्याचार के प्रकरणों की पेंडिंग जो प्रतिशत है वो 9.6% है राजस्थान में, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 31.7% है, ये NCR की बुक में है। फिर भी हमारे मित्र लोग जो हैं, हमारे साथी विपक्ष के,
आईपीसी के प्रकरणों में राजस्थान में पेंडिंग प्रतिशत करीब 10% है और राष्ट्रीय स्तर पर 35.1% है। अब आप बताइए मुझे, जानबूझ करके राजस्थान में क्राइम बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। आप हालात देखिए पूरे देश के अंदर, जो मैंने आपको फिगर दिए, मेरी फिगर नहीं है ये, फिगर एनसीआर की बुक के है। कहने का मतलब है विपक्ष में इतना साहस नहीं है कि कम से कम जो फिजिकली फैसले हुए हमारे, ये कोई फैसला एक थाने के लिए हुआ नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए हुआ, कोई कंपल्सरी FIR करेंगे, ये नीतिगत फैसला था। क्या एक शब्द भी हमारे किसी के मुंह से निकला विपक्ष नेताओं से कि भाई ये कम से कम इन्होंने फैसला ठीक किया है? लागू होने की कमियां बता सकते थे, वो सुझाव दे सकते थे, पर कुछ नहीं उनको, क्योंकि वो इतने बौखला गए हैं कि 4 साल की हमारी उपलब्धियां हैं शानदार बेमिसाल, 4 साल की हमारी जो बजट घोषणा है बेमिसाल है, उनके तो मुंह पे ताला लग जाते हैं, उनको तो छिपके रहना पड़ता है असेंबली के बाहर, तो मीडिया से क्या बात करें, ऐसी स्थिति हमने बना दी इनकी। अब वो क्या गए, तब वो यही बात कहेंगे, साहब देखिए ECB खूब छापे पड़ रहे हैं क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है, उल्टा भ्रमित करेंगे लोगों को, या कहेंगे कि ये क्राइम बहुत बढ़ गया है, जबकि इतना कंट्रोल है क्राइम, राष्ट्रीय स्तर पर भी कंट्रोल है, राज्यों को मैंने आपको सुनाया, राज्यों के कम तुलना बताई मैंने आपको। अब आई बात आपके, हमें चिंता है कि चुनाव आ रहे हैं तो ये हर मौका ढूंढते हैं कि सांप्रदायिक तो कैसे फैले राजस्थान में, और इसीलिए ये जानबूझ करके हर चीज को उछालने का प्रयास करते हैं। उदयपुर, करौली, जोधपुर में सांप्रदायिक घटना हुई, खूब उन्हें उछालने का प्रयास किया, जबकि 2 घंटे में वहाँ 1 घंटे में निपट गया, वहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया सांप्रदायिक तरह की घटना को करौली के अंदर। आप मेरे कई लोग तो करौली के होंगे, मेरे क्या करौली नाराज ही आते हैं लोग पत्रकार बन करके, तो लगता है कि पता नहीं आप कितने लोग बैठे हैं, आई डोंट नो, पर कौन कौन है पता नहीं, कोई है करौली का? कोई नहीं है, सब गायब हो गए। तो पर करौली की घटना 1 घंटे में काबू कर ली गई, कन्हैयालाल हत्याकांड था, ये लोग तो आप बताइए, घटना होने के बाद में बेशर्माई से लोग हैदराबाद गए अपने कॉन्फ्रेंस भाग लेने के लिए, बीजेपी के नेता लोग, ये नहीं कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो जाए उदयपुर कम से कम अपने विपक्ष की भूमिका निभाए। हम लोगों ने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, बने हुए दौरे कैंसिल करके बीच में आए हम लोग जयपुर आए, और सेकेंडरी चीफ सेक्रेटरी को, DG पुलिस को, हमारे मंत्री चले गए, मैं खुद चला गया, परिवार वालों जाके मिले, किए, सांत्वना दी, और सबसे बड़ी बात है उसी रात को दोनों मुजरिमों को पकड़ लेना, वरना वो आग लगा देते ही लोग अगर नहीं पकड़े जाते वहां पर। अभी ये राजू ठेठ की जो हत्या हुई है वो खुद ही क्रिमिनल आदमी था, उसको ही बनाने लग गए लोग, तो वहां बीजेपी कांग्रेस करने लग गए और उनको पकड़ लिया रात भर में, चारों लोगों को। हमारे यहाँ केस ऑफिसर स्कीम जो बनाई गई है उसके अंतर्गत बहुत फास्ट ट्रैक से सुनवाई होती है, अभी तक 8 लोगों में फांसी और 300 लोगों से ज्यादा उम्र कैद हो चुकी है राजस्थान के अंदर। एडिशनल SP रैंक का अधिकारी हर जिले में लग गया है महिला अत्याचार को सिर्फ देखने के लिए, महिला अनुसंधान यूनिट अलग बना दिया हम लोगों ने, और स्वागत कक्ष हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 4 लाइन लिखते हुए संकोच होता पत्रकारों को कि स्वागत कक्ष थानों के अंदर बनना हिंदुस्तान की इतिहास में पहली बार हुआ। ये बार क्लब चलते रात को, सुबह 3-4 बजे चलते हैं, गली गली में खुल रहे हैं, वो तो बाद में देखेंगे हम कैसे रेगुलेट करें इनको, अभी हमने तय किया कम से कम रात को 11:30-12 बजे तब बंद करें वो।
12 बजे के पहले पहले अपनी दुकान समेट लें, जिकम से कम जाके आराम से घर पे लोग रह सके। और दारू की दुकानें जो है वो मैंने 8 बजे कह दिया है कि ऐसे तो जिम्मेवार होगा जहाँ दुकानें खुली मिल गई तो उसका असर पड़ा है राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि लोग सुख की नींद सोए, परिवार वाले हर व्यक्ति की गांव में पत्नी है बीवी बच्चे जो है शांति से रहे, ये हमारी सोच है, उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आपके ये पेपर लीक कल कहा था प्रताप सिंह जी ने, ममता जी का होगा आपको, बताइए आप, हिंदुस्तान में पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं, आर्मी में हो रहा है, आपके अभी एक महीना पहले जुडिशी में हो गया, हाईकोर्ट के पेपर लीक कोर्ट हो गए। हम जो है आगे बढ़ के पहला राज्य राजस्थान जो जेल भेज रहा लोगों को, पकड़ रहा है, उस तक पहुंच रहा है कि किसने किया, कैसे पेपर आउट किया, वहां तक पहुंच रहा है। कानून पार कर दिया असेंबली के अंदर, और अभी हमने उनकी प्रॉपर्टियों को भी बुलडोजर भेजे वहां पर तोड़ने के लिए, बर्खास्त कर दिया अधिकारियों को, बर्खास्त कर दिया। और बच्चे जो है जो इसमें पकड़े जाएंगे, पकड़े गए, डिबा कर दिया आगे एग्जाम देने से, सब कुछ कर दिया, उसकी चर्चा नहीं। और ये अपोजिशन वाले पेपर लीक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे अधिकारियों पर, नेताओं पर, इनके पास कहने कुछ है ही नहीं, सामान कुछ नहीं इनके पास। इसीलिए अमित शाह जब आए थे जयपुर तो मुझे बताया गया, सच्ची क्या है तो पत्रकार मित्र ज्यादा जानते होंगे, उन्होंने इनको झाड़ा अपने ऑफिस के अंदर, जब इन्होंने कहा साहब ये सरकार कुछ नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, क्या बकवास करते हो, सरकार को 4 साल में तुम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा नहीं किया राजस्थान के अंदर, ये मैंने सुना है, सच्चाई क्या मैं उस पर नहीं जाना चाहता, जो मैंने सुना बता दूँ। एक मीटिंग में भी था वहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ काउंसिल मीटिंग थी, वहीं से आए थे, हम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दी उनको कि किस प्रकार राजस्थान में क्या प्रॉब्लम्स है स्टेट इंटर स्टेट के, हम अपने जो भावनाएं थी उन्होंने बताई है, ओपीएस वाली भी और मेरी ख्याल से, और इसने बताइएगा आप जाके प्राइम मिनिस्टर को कहिएगा कि लागू करें पूरे देश के अंदर चिरंजीवी योजना वाली। उसके बाद मुझे तो बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब ऐसी स्थिति बन गई वहां पर, अब पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, तो आप लोग मेरे को पूछा होगा तो मालूम होगा आपको, पर मैंने सुनाई जो मैंने आपको शेयर कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि 2 दिन की जो हमारी मीटिंग है बहुत फ्रूटफुल है, बहुत इफेक्टिव है, और पहले भी याद होगा आपको हमने प्रयास किया किस प्रकार लेखकों का करना चाहिए। ये आंतरिक मीटिंग थी हमारी, आंतरिक मीटिंग थी, आप पर बैठ कर बातचीत करी और एक से बढ़ के एक सुझाव आए, उसी रूप में हम लोगों ने अभी असेंबली आ रही है, सब तैयारी शुरू कर रहे हैं हमारे मंत्रीगण भी, और असेंबली में आएगा बजट आएगा हमारा 8 तारीख को, 8 तारीख को बजट ला रहे हैं हम लोग, 8 फरवरी और 23 को असेंबली शुरू हो रही है। बजट जो है वो इंक्रीज होगा, कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने पिछली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था और 12 मिशन बनाए थे हमने अलग अलग कृषि क्षेत्र को लेके, तो मिशन मोड पे किसानों के लिए हमने प्रयास शुरू किए राजस्थान के अंदर, उसी ढंग से हम चाहेंगे कि अब जो बजट आए इस बार किसानों का आएगा अलग अलग बजट, परंतु फोकस जो है इस बार यूथ को स्टूडेंट को रखना चाहते, महिलाओं को जो जो सुझाव आएंगे हम चाहेंगे उस पर समावेश करें। ठीक है, थैंक यू। एक और बात करना चाहूँगा, एक सेकेंड कि सबसे खुशी की बात यह है कोरोना में हमने शानदार मैनेजमेंट किया,
अभी हमने भी कहा कि जो ये अनैतिक काम करेगा कोई कर्मचारी, और जिस प्रकार भ्रष्टाचार तो करेगा ही करेगा, अनैतिक कार्य करेगा और अपने जानबूझ करके पब्लिक स्कीमों को लागू करने में कोताही करेगा, अभी पैसन गाँव के संग पैसन सर्वोच्च अभियान चल रहा है, उसमें कई कई जगह नगर पालिकाओं के जो ईओ है अधिकारी है वो कॉपरेट नहीं कर रहे। 10 लाख का टारगेट था, अभी 6 लाख पहुंचा है। तो हमने तय किया कि भाई अगर कोई जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, ऐसे लोगों को खाली एपीओ और सस्पेंड करने का काम चलेगा, इनको बर्खास्त करना चाहिए सरकारी नौकरी से। सबसे खुशी की आप खुशखबरी ये है कि अभी राजस्थान की स्थिति है देश के अंदर, हमने हर क्षेत्र में जो बजट पेश किए थे लागू, बजट पेश ही नहीं किए, हमने लागू भी किया, उनको इम्प्लीमेंट किया है। जो हमारे पूछ रहे थे हमारे नेता प्रतिपक्ष की पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आ भी गया, पैसा खर्च भी हो गया, टेंडर निकल गए, वर्क ऑर्डर दे दिए, ऑफिसर खुल गए, तहसील उप तहसील एसडी ऑफिस नगर पालिकाएँ महाविद्यालय गर्ल्स के बॉयज के यूनिवर्सिटी, जो भी करना था हमने जो वादे किए हमने निभाए, हर क्षेत्र में प्रगति की है, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें, उसी जीडीपी बनती है और उसी कारण से आज देश के अंदर नंबर वन पर है आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान है 11.04%, दूसरे नंबर पर देश में विकास की दर जो है वो राजस्थान की है। इस बात की हम सबको प्रसन्नता गर्व होना चाहिए। बताइए छोटे देशों में नहीं, अमेरिका में है क्या मांग, क्या डिमांड कर रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है सर। सोशल सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, आपने कैलकुलेशन की दिखती है। देखिए अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, सब जगह है, सब राज्यों में है। और सुनिए आप आगे, अगर आपने क्वेश्चन किया ही है तो जवाब देता हूँ आपको। ओबामा केयर अमेरिका के अंदर फेल हो गई,